प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी भारतीय कला की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस कला यात्रा में हम अजंता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके पहले भाग में हमने अजंता की कुछ विशेषताओं को लेकर बात की है, जिसके अंतर्गत रेखाओं का विशेषताओं के बारे में बात की है कि अजंता की रेखाएं क्यों की क्या विशेषताएं हैं, अजंता की रेखाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं, इस विषय के बारे में हमने बात की थी पिछले लेक्चर में। उसके अलावा हमने रंग योजना की, किस प्रकार की रंग योजना का प्रयोग अजंता के कलाकारों ने किया है और किन रंगों का प्रयोग किया है और किस प्रकार की रंग कैसे बनाए, इसके बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें लेपिस लाजुली जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो फारस से आयात किया जाता था नीला रंग, उसको बनाया है, बनाकर रंगों में लगाया है अजंता के कलाकारों ने। इसके पश्चात हम आलेखन व अलंकरण की बात करते हैं। तो आलेखन व अलंकरण जो है वो विभिन्न प्रकार के अलंकरणों का प्रयोग किया है, जिसमें अधिकतर कमल दलों का, कमल की लताओं का ये प्रयोग किया है और चित्र धरातल के प्रत्येक भाग को उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया है और अच्छे आलेखनों का जिसको हमने चित्रों के द्वारा देखा था उनका प्रयोग किया है। साथ ही ज्यामिति आकारों के बारे में भी बहुत अंकन किया है, विभिन्न प्रकार के ज्यामिति आकार जैसे त्रिभुज, समकोण, आयत, वर्ग, इन ज्यामिति आकारों से मिलते जुलते आकार बनाए हैं, तो ये हमने देखा है। उसके पश्चात हम विभिन्न प्रकार के अलंकरण, रूपभेदिक, जातक कथाओं के बारे में भी हमने बात की है कि किस प्रकार की जातक कथाओं का भी प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थी, ये इस भाग दो में पिछले भाग की पृष्ठभूमि मनाते हुए इस भाग में अजंता गुफा चित्रों की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं कि अजंता की गुफा चित्र की विशेषताओं के आगे के भाग में क्या है। तो अगला विषय जो है हमारा, अगला विशेषताएं जो है वो हमारी नारी आकृतियों के बारे में है कि नारी चित्रण की चरम उपलब्धि इन्होंने की है। नारी चित्रण जो है वो अजंता की चरम उपलब्धि मानी गई है। जीवन के विभिन्न जो पहलू हैं उसमें नारी का अंकन इन्होंने सहचारी के रूप में, एक अर्धांगिनी के रूप में इन्होंने प्रयोग किया है और विभिन्न स्वभावों, नारी के विभिन्न स्वभाव किस प्रकार के रहते हैं उनका भी इन्होंने अंकन किया है। नारी चित्रों में नारी को अर्ध नग्न कपड़े पहने हुए विभिन्न प्रकार की स्थितियों में इनका समावेश किया है। चित्र जो है माया देवी का स्वप्न, उस चित्र में अजंता के कलाकारों ने उसे बुद्ध की जननी होने का भावपूर्ण अंकन किया है और अजंता के कलाकार ने उस समय नारी को जिस भी रूप में देखा उन सभी रूपों का समावेश, उन सभी रूपों का चित्रण इन्होंने, चित्रकारों ने, अजंता के कलाकारों ने अपने चित्रों में किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कह सकते हैं कि अजंता के जो भित्ति चित्र हैं उसमें नारी आकृति जो है वो नारी को बहुत श्रद्धा की दृष्टि से, बहुत सम्मान की दृष्टि से
और विभिन्न रूपों जैसे गृहिणी, जैसे माता, जैसे प्रेमिका, इस प्रकार से जैसे पत्नी, इन विभिन्न रूपों में इन्होंने अध्ययन किया है, अंकन किया है। तो हम अगला जो विषय स्टाय जो है वो अगली आते हैं, आभूषण। तो प्रिय विद्यार्थियों, वस्त्राभूषण जो हैं, किस प्रकार के वस्त्र पहनने जगह थे, तो उनको भी इन्होंने बताया है। और अजंता के चित्रों में मुकुट, आभूषण, वस्त्रों को भी सुंदरता से अंकित किया है। राजा और रानी जो हैं, उनके मुकुटों में भी उन्होंने अंतर को दर्शाया है। और देवताओं और महापुरुषों के मुकुट जो हैं, वो शिखर के समान ऊंचे और अच्छे अलंकृत बनाए हैं। और अधिकांश मुकुट जो हैं, वो पद को ध्यान में रखते हुए, राजा का मुकुट का अलंकरण अलग होगा, तो उसी प्रकार से जो उसका दास है या दासी है, उसके मुकुट का जो भव्यता है वो अलंकरण अलग अलग प्रकार की है। तो अजंता के चित्रकारों ने अपने पात्रों की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मोतियों की लड़ियोंदार मालाएं, गर्दन में बड़े बड़े मोतियों की मालाएं से युक्त चित्र बनाए हैं। अन्य आभूषणों में कानों में कुंडल, पत्र कुंडल, मटकाकार कुंडल, भुजाओं में अनंत, कमर में मोतियों या कड़ियों से युक्त करधनियाँ बनाई गई हैं। हाथों में कड़े, बाजूबंद, मणिबंध आदि से स्त्रियों के सुडुल हाथ और भी सुंदर बन गए हैं। तो वस्त्रों में स्वाभाविक फरहान चित्रों में, फरहान मतलब सलवटे, चित्रों में बखूबी दर्शाए हैं। वस्त्रों की सिकुड़ने न तो हवा में फूली हुई जान पड़ती है, न ही उनमें भारीपन दिखाई देता है। इसी प्रकार से पुरुषाकृतियाँ जो हैं, उनमें अधोभाग में धोती पहने कमर के नीचे और ऊपरी भाग में चुस्त या ढीला कुर्ता पहने दर्शाया है। तो स्त्रियों को कोहनी तक चोली तथा नीचे के भाग में धोती या आंचल पहने हमें दिखाया है। नेक्स्ट है आपका भाव भंगिमाएं। अजंता की मुद्राओं में अद्भुत छटा जो है हमें चित्रों में देखने को मिलती है। कोई चित्रकार की इतनी डिटेल या इतना गंभीर अध्ययन था, गहन अध्ययन था, कि वो शरीर किस अवस्था में रहते हैं, किस अवस्था में है, तो उसकी किस अवस्था के अंग कैसे हो जाएंगे, किस मुद्रा में वो अंग आ जाएंगे, इनको चित्रकारों ने बड़े ध्यान से, बड़े गंभीर भाव से इनको बताने का प्रयास किया है। और ये कहा जा सकता है कि कलाकारों ने चित्रों में अपने मन की समस्त भावनाएं ऐसे ढाल दी है कि मानो चित्र बोलते हुए प्रतीत होते हैं। आकृतियों की बनावट, भावपूर्ण नेत्र, अधर भौहें, हस्तकलाएं आदि के माध्यम से विषाद, स्नेह, वात्सल्य आदि के भाव प्रदर्शित किए गए हैं। लोचदार अंगुलियों की बनावट, शास्त्रीय मुद्रा की प्रचलित मुद्राओं के समकक्ष हैं। पैरों की मुद्राओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। पैरों की मुद्राओं द्वारा बैठने, चलने, लेटने, खड़े होने आदि का बड़ी सफलता से अंकन हुआ है। भय, शांति, श्रृंगार, हर्ष, रौद्र तथा वीर आदि भावों को चित्रकार ने चित्र कृतियों के माध्यम से या उनकी मुखाकृतियों के माध्यम से अध्ययन किया है। अब अगला आता है हमारा जो विषय है, वो है परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव। तो अजंता का जो परिप्रेक्ष्य है वो अलग प्रकार का परिप्रेक्ष्य है, जिसमें अनेक स्थानों या विभिन्न समय के दृश्यों को एक ही चित्र में अंकित कर दिया है। और सभी दृश्यों को बताने के लिए महल जो है या कोई आवास जो है, उसकी पूरी छत को ही हटा दिया है, ताकि घर के अंदर होने वाली या महल के अंदर होने वाली सारी गतिविधियों से दर्शक परिचित हो सके।
और संपूर्ण चित्र में एक सूत्रता बांधने का प्रयास किया गया है, आकारों के संयोजन में, रंगों के संयोजन में, और आकृतियों को सामान्य अनुपात और प्रतिष्ठा, राजा का अनुपात, रंक का अनुपात, दास का, दासी का अनुपात, वो अपने पद के अनुसार अंकित किया गया है। और राहुल समर्पण जो एक महत्वपूर्ण इस उदाहरण का, इस विशेषता का उदाहरण है, जिसमें राहुल अपने जिसमें बुध अपने घर पे भिक्षा मांगने जाते हैं और पत्नी से भिक्षा मांगते हैं, तो पत्नी के पास उसका सर्वस्व, उसका बालक होता है, तो जो पत्नी होती है वो बालक, उस बालक राहुल को बुध को समर्पण करने की मुद्रा में चित्रित है। और इस चित्र में क्या है कि बुध को बहुत बड़ी आकृति में, सामान्य अनुपात से बड़ी आकृति में दर्शाया है, और जो यशोधरा जो है उसकी आकृति को अपेक्षाकृत छोटा दर्शाया है, और बालक राहुल को अबोध दशा में, बच्चे की दशा में इन्होंने अंकित किया है। और रेखाओं के अपने हिसाब के से घुमावों के कारण कलाकार ने परिप्रेक्ष्य को देखने का, बताने का और दर्शक तक उस संदेश को पहुंचाने का अंकन किया है। अगला है विषय शताओं में पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता। अजंता के कलाकारों का पशु पक्षियों के स्नेह का बड़ा महत्व है, क्योंकि बुद्ध धर्म में समस्त जीवों के प्रति प्रेम भाव का रखने की शिक्षा दी है, और उनका सर्वाधिक प्रिय पक्षी है हंस तथा मयूर, जिसका अंकन यथार्थ और काल्पनिक रूपों, दोनों ही रूपों में उनका अंकन हुआ है। और अजंता की दीवारों पर मादक चाल से हिरणों का चलना, शरारती बंदरों का पेड़ों से इधर से उधर उछलते हुए प्रतीत होना, कूदते हुए घोड़ों का अंकन, मस्त मुद्राओं में हाथियों का अंकन बड़ी कुशलता से किया गया है। इसके अलावा हम केंद्रीय संयोजन जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में बात करेंगे। इनके संयोजन में हमें वैभव देखने को मिलता है, और इन चित्रों जैसा संयोजन हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। प्रत्येक चित्र में प्रमुख पात्र अपने विशेष प्रभावी केंद्रक है, जिसमें अन्य आकृतियों से बड़ा और प्रभावशील चित्रित किया है, जिसमें विषय के मूल प्रभाव को संप्रेषित किया जा सके। इस संयोजन से हमारी दृष्टि स्वतः ही मुख्य आकृति तक पहुंच जाती है। संयोजन की रेखाएं घूम फिर कर प्रधान आकृति की ओर पुनः आ जाती है। और अजंता की चित्र शैली जो है वो तो न तो यथार्थवादी है, न अलंकारिक, नहीं आदर्शवादी। वह प्रेरणा से यथार्थ से प्रेरणा लेकर भी यथार्थ रूपों, छाया, प्रकाश तथा गठनशीलता अथवा परिपेक्ष का ज्यों का त्यों अंकन नहीं करती है। वह रूपों के स्वाभाविक प्रकृति को देखती है, वह प्राकृतिकतावादी है। अजंता की जो आकृतियां हैं मानवीय धरातल से पूरी तरह अलग नहीं है, इसलिए आदर्शवादी भी नहीं है। उनमें काव्यगत उपमानों का अधिक आधार भी लिया गया है, अतः अलंकरण विधान है, किंतु पूर्णतः अलंकारिक भी नहीं है। मुद्राओं में सहजता तथा मुखाकृतियों में भाव अभिव्यंजना है। इन सभी विशेषताओं का मिला जुला रूप ही अजंता कला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अजंता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा इन दो एक लेक्चरर्स के माध्यम से। तो इससे हमें पता लगता है कि अजंता की जो कला है वो क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्यों विश्व प्रसिद्ध है, क्यों विद्वानों ने उनके ऊपर अधिक से अधिक शोध किए। तो मैं आशा ही नहीं, विश्वास करता हूँ जिस प्रकार से आप YouTube के इस प्लेटफॉर्म से मुझे सुन रहे हैं, और WhatsApp के माध्यम से जो मैंने ग्रुप बना रखा है उससे आप अपने नोट्स को प्रिंट लेकर स्टडी कर रहे हैं, और कभी कभी कोई क्वेरीज आती है तो उनको उनका मुझे अच्छा लगता है कि आप इन
ई व्याख्यानों में या ई नोट्स के माध्यम से, ई कंटेंट के पीडीएफ के नोट्स के माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भारतीय कला की इस यात्रा में निसंदेह हम एक अच्छी यात्रा पर हैं और आशा इन्हें विश्वास है कि आप अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। धन्यवाद।